Okay guys, so today we came to Kenrock Inn. Kenrock Inn is in Ishikawa and it's famous for its winter snow trees. But as I came in March here, so there's no snow on the tree, but it is really very cold here. But the best thing is that not many people early morning. Right now it's almost 9:30 here and I reach almost early here. And it was a bit snowing, but right now it's just only freezing. Its temperature is only 2. But this place is really very famous place in Ishikawa. The park is very beautiful park here. अभी जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये है इशिकावा का केनरोक इन. ये पार्क मशहूर है अपनी बर्फ़बारी के अंदर. जब यहाँ बर्फ़ होती है तो इन रस्तों के ऊपर पीछे जो है ना ये सब जम जाती है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है यहाँ. सुबह सवेरे हम यहाँ पहुँच गए थे, रात भर हमने ट्रैवल किया था. और इस जगह की खसूसियत ये कि यह बड़ा पुराना कदीम एक इनका पार्क है. हर इलाके के अंदर एक डिफरेंट किस्म के पार्क होते हैं. इशिकावा के अंदर जिस तरह नगीसा ड्राइववे है और यहाँ का सी फूड जिस तरह मशहूर है, इसी तरह ये पार्क भी यहाँ पे बहुत मशहूर है. तो चलिए इस पार्क के अराउंड में हम आपको दिखाते हैं. वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मज़ा आए, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हर मज़हब का अपना अपना तरीक़ेकार होता है. यहाँ लोग आते हैं रस्ते में जो घंटा बंधा हुआ होता है इसको लेके बजाते हैं, उसके बाद दो तालियां मार के अपनी जो भी इनकी ख्वाहिशात होती हैं वो उसको मांगते हैं, और उसको लेते हुए फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं. हमको हर मज़हब की तज़ीम करनी चाहिए, दुनिया का कोई सा भी मज़हब हो. おはようございます。いくらでしょうかね。320円です。今日は寒いです。今日は寒いです。今日は寒いです。今日は寒いです。今日は寒いです。今日は寒いです。今日は寒いです。今日は寒いです。今日は
पूरा का पूरा एक यहाँ पे टूर ट्रिप लगाना पड़ता है, घूम के आना पड़ता है पूरा। और ये पूरा ग्राउंड लगता है जिस ओसा का कैसल है, कैसल के अंदर हम लोग जाते हैं। इसी तरीके से ये देखें, ये पानी का जो पाउंड है यहाँ पे, थोड़ी सी झील टाइप की जो है ना, ये काफ़ी मशहूर है यहाँ पे। इसके साइड से जो दरख्त है, तो ये पानी जो गिर रहा है उसकी आवाज़ है ना। बड़ा पार्क है ये, पूरे पार्क को घूमने के लिए तकरीबन आपको 2 से 2.5 घंटे चाहिए होंगे इधर ना। और मैप को पढ़ते हुए चलना पड़ेगा आपको, तो मैप को देखते हुए चलेंगे तो थोड़ी बहुत आपको परेशानी भी होगी, मगर उसका फ़ायदा भी होगा ना। अभी पाउंड नीचे वहाँ चलते हैं,
उसके बाद फिर ये घूमते हुए हम अपने गेट की तरफ जाएंगे। Guys, so it's time to go back and we have to go to Noto area and showing you the beautiful mountain on the sea. अभी चल रहे हैं यहाँ से, टाइम हो गया जाने का नोटो एरिया पे, और वहाँ से आपको दिखाएंगे कि समंदर के ऊपर कैसा बर्फीले पहाड़ खड़े हुए होते हैं ना। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके अलावा दूसरी भी मेरी वीडियोज़ को चेक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा ना। वीडियो बड़ी प्यारी है, पार्क आपने देखा कितना खूबसूरत पार्क है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, सबको चेक कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी हम चल रहे हैं, सुबह के हो रहे हैं 3:30। लाइट कम है गाड़ी में, थोड़ी सी चेहरे पर रोशनी डाल देनी है। सुबह के 3:30 हो रहे हैं और यहाँ से हमने कहाँ चलना है ये आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ से जाना है, जी बहुत दूर जाना है, इशिकावा।
इशिकावा में केंड्रिक एन है, वहाँ चलेंगे। वहाँ पे अगर आज बर्फबारी हो रही है तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होगा। उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि समंदर के अंदर से निकलते हुए अपना इनका किता अल्पस के जो पहाड़ हैं बर्फीले, वो अगर मौसम सही हुआ, क्योंकि बर्फबारी हो रही है इसका मतलब बादल होंगे, वो शायद सही नज़र नहीं आए। उसके बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे शिराकावा को। शिराकावा गो पे हम एक रात स्टे करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे स्टे करने के बाद शिराकावा गो मैं पहले भी जा चुका हूँ, जहाँ पे बर्फ़ की तिकोना टाइप के घर बने हुए हैं, जिसकी मेरी आप वीडियो देखिएगा पहले ना। वहाँ पे हम चलेंगे, वहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत नाइट व्यू दिखाएंगे, पिक्चर्स कुछ हमने लेनी है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे फिर आपको शिराकावा गो में घुमाते हुए वहाँ से लेके चलेंगे बिवाको। बिवाको में हम स्टे करेंगे मैरियट में वन नाइट, और उसके बाद फिर हमारी वापसी होगी ओसाका की तरफ, और बीच में एक दो जगह हम आपको और भी दिखाते हुए चलेंगे। बस दुआ कीजिए कि मौसम सारा अच्छा हो और साफ सुथरा हो, तरीके का होना तो मज़ा आ जाएगा। सो गाइस बी विद मी, अभी तो थोड़ी सी चाय पी रहा हूँ, चाय पीने दीजिए। और प्रोग्राम था कि सुबह के 7-6 बजे निकलूँगा घर से ना, मगर क्या करूँ कि नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने कहा चलो अभी निकल लेते हैं तो काम ज़रा जल्दी पहुंच जाएंगे, तो बर्फ़बारी भी नज़र आ जाएगी, और क्योंकि 10 बजे के बाद जो है ना वो शायद वहाँ पे बारिश हो, अगर टेम्परेचर लो हुआ तो बारिश जो है बर्फ़बारी में आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो फिर वो बारिश में हो जाएगी। तो मैं कोशिश मेरी ये कि बारिश से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएँ। लीजिए जी मेरी जान, अब शुरू हो गई है बर्फ़बारी, और देखिए कैसी टाइट बर्फ़बारी हो रही है बाहर ना। 4:30 बज गए सुबह के, और इस वक्त हम नागोया के करीब हैं। युकाई चीज़ें निकले, नागोया की बैक साइड पे आता है दरअसल ये ना, और तो अभी तकरीबन 7:30 बजे का टाइम दे रहा है पहुंचने का, मगर बीच में मैंने गाड़ी रोक के 1 से 1.5 घंटा जो ना ज़रा सी आंखें बंद कर लिया, तो सही होगा कि फ्रेशनेस आ जाती है बिल्कुल ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सॉरी जी बस बताना भूल गए थे, हमने तकरीबन 5:15 पे मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा के मैं सो गया था ना, तो अभी तकरीबन 6:30 के बाद उठा, थोड़ा सा हाथ मुंह धोया है, तो उसके बाद अभी चले हैं आगे की तरफ, और ये गरम गरम चाय ली है नाश्ते के साथ। जापान में ये बड़ा फ़ायदा कि यहाँ चाय मिलती है बड़ी बड़ी बोतलों के अंदर, गरम गरम चाय होती है, आप उसको और गरम करवा लें माइक्रोवेव में ना। अभी तकरीबन 100 किलोमीटर दे रहा है, और 7 बजने का मतलब है 1 घंटा 40 मिनट का ये हमको यहाँ से रास्ता दे रहा है ना, 1 घंटा 40 मिनट की ड्राइव है अभी, और 1 घंटे 40 मिनट के बाद फिर हम आपको केंड्रोक इन पे मिलते हैं। जब तक के लिए मैं नाश्ता कर लूँ, और आप भी नाश्ता कर लीजिए, ठीक है। हाँ 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 गरम गरम चाय हो, क्या मज़ा आता है गरम गरम चाय का यार।